बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेन्यू में है रसमलाई, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये 30 मिनट्स में बनके तैयार हो जाती है। क्विक तो बनती ही है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, नहायत यमी बनती है। ज़रूर बनाइए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिया है, और ये पैन में ही लीजिए क्योंकि खुला बर्तन होना चाहिए। इसके अंदर मैंने 8 टेबल स्पून चीनी यूज़ की है। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून एक अलग बोल में डाली है, बाकी हमने दूध में शामिल कर दी है। अलग इसलिए डाली है कि उसका हम कैरेमल बना रहे हैं। इलायची पाउडर डाल दिया 1/2 टेबल टीस्पून, सूखा दूध डाला है 1.5 टेबल स्पून। अब ये ब्रेड क्रम्स मैंने डाले हैं, ये सिर्फ एक ही स्लाइस की अब डालिएगा। अब ये देखें कैरेमल तैयार हो गया है। अब इस मौके पे मैंने इसको भी शामिल कर देना है। आंच बहुत हल्की रखनी है, नहायत धीमी आंच होनी चाहिए दूध के नीचे। अब ये देखें कैरेमल का आपको कलर भी नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर हो गया है। अब इसको अब शामिल कर दें, साथ साथ हिलाते जाएं। अब आप इसका दूध का कलर देखें, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, ये रबड़ी टाइप लुक देगा। अब ये हम इसकी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। एक अंडा लिया है छोटा, अगर बड़ा हो तो हम आधा लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल है, इलायची पाउडर है 1/4 टीस्पून, सूखा दूध है 1 कप, मैदा बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, मैदा जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, और छोटी छोटी बॉल्स इसकी साथ साथ बना के इसमें आप दूध में डायरेक्ट ही डालते जाइए, साथ साथ बनाते जाइए और डालते जाइए। अगर हम मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लगाया हाथ में, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, क्योंकि डो थोड़ी सी स्टिकी होती है। ये देखें आप साथ साथ हम इसको पलटते भी जा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और क्विक तरीके से तैयार होती है। ये देखें 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये बन के रेडी हो गई है। इसको हमने डिश आउट कर लिया है, और पिस्ते डाल के सर्व करें। खाइए, इंजॉय कीजिए।